की शादी और दबंगई ना हो तो माहौल थोड़ा सुना सुना सा लगता है। रसूख वाले घरों की शादी में शमियाना छल्ली होना एक आम सी बात है और यह आज भी देखा जा सकता है। घटना पटना की है, जहां एक शादी में दियरा नक्टा के सरपंच पति बिमल राय ने बीच महफिल में तावा तोड़ गोलियां चलाकर माहौल को गर्म कर दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिमल राय बार बालाओं की चल रही नाच के बीच में ही बंदूक से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और गोलियों की आवाज से लड़कियां इधर उधर भागते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जब वीडियो वायरल हुआ तो पटना एसएसपी ने इस वीडियो की सच्चाई की जांच करने की बात की और घटना साबित होने पर दोषी पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। ऐसा नहीं है कि सरपंच पति बिमल राय की यह कोई पहली घटना है, इसके पहले भी इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और यह एक सजा व्याप्ति इंसान भी है। इसे बिमल राय का दबदबा कहें या फिर पुलिस के साथ याराना, ये सवाल इस तस्वीर को देखकर उठती है जिसमें बिमल राय दिग्घा के थानेदार राजकुमार पांडे के चैम्बर में उनके साथ बर्थडे का केक काटते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो और भी है जिसमें थानेदार साहब स्टीमर चलाते हुए नजर आ रहे हैं तो सरपंच पति स्टीमर के ऊपर मस्ती करते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कारण से बिमल राय और पटना पुलिस की आपसी मिली भगत होने का आरोप भी लगता रहा है। हालांकि यह एक जांच का विषय है और कुछ भी साबित होने से पहले पुष्टि नहीं की जा सकती है। आपको जानकारी दे दें कि यह घटना दिग्घा के पोलसन इलाके में हो रही पटना सदर प्रमुख अमरजीत कुमार की शादी का है, जहां नक्टा के सरपंच पति बिमल राय द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस सारी घटना की जांच पुलिस अपने तरीके से कर रही है और यश चैनल किसी भी तरीके से इस घटना से जुड़ी कोई भी वीडियो, तस्वीर और बयान की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि यह एक पुलिस जांच का विषय है।